ये है हमारी मरोठी की कंडीशन, जहाँ पे लोकल लोग जो है वो अब सड़कों पे उतर करके खुद खड्डे जो है वो इसमें इनमें पत्थर डाल रहे हैं, और गाड़ियाँ जो इतनी ज़ोर से आती हैं और जो मिट्टी होती है उसमें जो पानी भरा होता है लोगों के घरों के ऊपर, इसके छींटे लगते हैं। ये देखिए गाड़ियाँ इस तरह से आ रही हैं, ये देखो कितने बड़े खड्डे हैं। ये लोकल पब्लिक जहाँ से उठ करके आई सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। हाँ, रोटी में रहते हैं, तहसील चने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। अच्छा, तो ये रोड की तो ये हालत है, ये तो कुदरती है ही, क्योंकि ये सरकार, ये आप खुद पत्थर डाल रहे हो इसमें, मैं खुद डाल रहा। सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये हमारे यहाँ खड़े खड़े हैं और ये पूरी जमीन में पानी जाता है नीचे। ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, ये भी इस काम में लगे हुए हैं। देखो ये अपने घर से भोंगड़ियाँ वगैरह गेंतियाँ लेके आए हुए हैं, ये भी काम कर रहे हैं। मैं मुकेश परियार, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जैंड के। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाठी उधमपुर में जो दो तहसीलें हैं, लाठी और मरोठा और सारस बोप, ये रोड काफ़ी इसकी हालत खस्ता है। अपने विजिब्रिज में भी देखा कैसे रोड है ये। बड़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला गया, लिहाजा मेरी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्दी से जल्दी इस पे मौके फ्रामिंग करें, और कभी गाड़ियां भी जब गुजरती हैं, एम्बुलेंस भी जाती है, वो लोग खुद ही गड्ढे भरते हैं। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्दी से जल्दी इस पे काम शुरू किया जाए।